उधम सिंह नगर में शराब के ठेकेदारों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। लगभग 3 करोड़ के इस घोटाले में जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए आबकारी सचिव ने नोटिस जारी किया है। शराब के नए ठेके आवंटित के समय 12 ठेकेदारों द्वारा बैंक गारंटी के तौर पर उत्तर प्रदेश जिला रामपुर के मसवासी की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा की पाई गई। मामला संदिग्ध लगने पर उन्होंने बैंक से जानकारी की तो पता चला कि बैंक ने ये गारंटी जारी ही नहीं की। इसी बीच आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र इमवाल ने पूरे प्रदेश में बैंक गारंटियों की जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद ये मामला सुर्खियों में आया तो जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा ने ठेकेदारों से नई बैंक गारंटी ले ली। इस मामले को लेकर जिला आबकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कोई बैंक गारंटी में फ्रॉड नहीं हुआ है। पहले तो नोटिस जारी हुआ है, ये आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, नहीं मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। और दूसरी चीज़, बैंक गारंटी जो है संबंधित अनुज्ञापी जिनकी जिन्होंने वो दुकानें ली हैं सरकार से वो उसमें लगाते हैं, बैंक गारंटी मेरे द्वारा नहीं लगाई गई है। बैंक हमें एक गारंटी देती है कि यह सब अनुज्ञापी पैसा नहीं जमा करता है या भाग जाता है तो हम आपको इतने पैसे की गारंटी देते हैं। हमारा काम यहाँ है रेवेन्यू कलेक्शन, हमारा पैसा जो सब निर्धारित है वो पैसा डूबना नहीं चाहिए, वो पैसा हमें किसी भी तरीके से सरकार के पक्ष में जमा करवाना होता है। इस संदर्भ में हमने सभी 12 अनुज्ञापियों को एक नोटिस भी भेजा था और उनके द्वारा अपनी सारी दुकानों का नगद में चालान के माध्यम से सारा पैसा जमा किया जा चुका है। तो जो हमारा निर्धारित राजस्व था वो हमने सारी दुकानों पर जमा करवा लिया है 100%। अब रही बात नोटिस की, तो अब नोटिस अभी मेरे पास आया नहीं है और नोटिस आता है अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।